Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is arteries of abdominal wall. Arteries of abdominal wall को समझने के लिए वही हम abdominal wall के 9 regions कर लेते हैं. हम 9 regions कर लेते हैं abdominal wall के. Laterally, this is the 2 vertical line and this is the 2 horizontal planes. हम इसको regions wise देख लेते हैं. इसको याद करना बहुत आसान काम हो जाएगा. तो इसके हमने 9 regions बनाए abdominal wall के. तो आप इसकी numbering भी कर लेते हैं. जो ये वाला region था वो था hypochondric region था. ये वाला रीजन था लैटरल या लंबर. इस रीजन को बोलते हैं इंग्वाइनल फोसा. तो इसे ऐसे शो करते हैं. ये राइट साइड का ऑफ कोर्स राइट. इस रीजन को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन. इस रीजन को बोलते हैं हम अम्बिलिकल. इस रीजन को बोलते हैं प्यूबिक रीजन. ये लेफ्ट एच एंड लेफ्ट इंग्वाइनल फोसा. अब इनके आर्टीरियल सप्लाई को देखती है. इनके रीजन वाइज देख लेते हैं. हर एक रीजन के दो पोर्शन होंगे. एक इसका सुपरफिशियल पोर्शन होगा, एक इसका डीप पोर्शन होगा. तो हम हर रीजन में दो वर्ड यूज़ करते हैं. एक एस लिख लेते हैं, दूसरा डी लिख लेते हैं. एस फॉर सुपरफिशियल, डी फॉर डीप. एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी सुपरफिशियल डीप सुपरफिशियल डीप. इस तरह इसको याद करना बहुत आसान काम हो जाएगा. अब जो हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक की, इसको जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसका नाम है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी. मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मैं इसको सिंपल मस्कुलो लिख लेता हूँ ताकि स्पेस कम है मेरे पास. तो इसको कौन सी आर्टरी होगी? मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी. मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती है. तो किसकी ब्रांच होगी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होगी. तो ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी. वंस अगेन यहाँ पे भी ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी होगी. और ये कहाँ से आएगी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से आएगी. ये सुपरफिशियल और डीप दोनों पोर्शन को सप्लाई करेगी. तो ये तो हमारे हो गया हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. अभी जो दरमियान वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन. एपिगैस्ट्रिक रीजन को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होगी? एपिगैस्ट्रिक एरिया को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. तो यहाँ पर हम इसको सुपरफिशियल करने के लिए सुपीरियर एपी गैस्ट्रिक आर्टरी लिख लेते हैं. एस ई ए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के आर्टरी की ब्रांच होती है. वन सेकेंड, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की है. तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो इसके सुपीरियर मोस्ट पोर्शन है इसका एब्डोमिनल वाल का, वो कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई कर रही है. इसके अलावा जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो इस पोर्शन का, ये कौन सा पोर्शन है? अम्बिलिकल पोर्शन का. अम्बिलिकल पोर्शन का ये अपर पोर्शन को भी सप्लाई करती है. यानी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एपिगैस्ट्रिक रीजन को भी और अम्बिलिकल रीजन के सुपीरियर पार्ट को. तो हम ये कह सकते हैं सुपीरियर पार्ट को ये सप्लाई करती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है. तो ये भी हमारा हो गया एपिगैस्ट्रिक एरिया भी हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया भी हो गया. अब बारी है लंबर या फिर फ्लैंक एरिया की. लंबर फ्लैंक या फिर लैटरल एरियाज को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. और ये इंटरकोस्टल आर्टरी, और मैं स्पेसिफाई कर दूँ 10th एंड 11th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. और ये कहाँ से आती है? ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से आती है. तो सुपरफिशियल और डीप पोर्शन को सप्लाई करने के लिए कौन सी आर्टरी होगी? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी. इसके अलावा एक और आर्टरी भी होगी, उसका नाम होगा सबकोस्टल आर्टरी. सबकोस्टल आर्टरी, तो सबकोस्टल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये सप्लाई करेगी किसको? सुपरफिशियल एंड डीप पोर्शन ऑफ हाई लैटरल पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल वाल. अब जो सुपरफिशियल और डीप पोर्शन, इसका भी यही होगा PIA, यानी ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 10th और 11th स्पेस की होती है. और सबकोस्टल आर्टरी ये उसको सप्लाई करती है. अब जो इसका राइट इलीक फोसा है, राइट इलीक फोसा को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होगी? नाम से जाहिर है कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी होगी? ये डीप सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी होगी. कौन? इंग्वाइनल रीजन के सुपरफिशियल टिश्यू को सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी. सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी, नाम से ज्यादा कि सुपरफिशियल का मतलब ये सुपरफिशियल टिश्यू को सप्लाई करेगी. इलीक का मतलब इलीक रीजन को या फिर इंग्वाइनल रीजन को सप्लाई करती है. डीप टिश्यू को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं डीप सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी. डीप सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी, याद कीजिएगा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? फीमोरल आर्टरी की. जबकि जो ये डीप होती है वो किस कहाँ से आती है? वो एक्सटर्नल इलीक से आती है, एक्सटर्नल इलीक आर्टरी से आती है. तो सुपरफिशियल यहाँ पे भी यही होगा, सुपरफिशियल को सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी होगी? सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलीक. और डीप टिश्यू को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होगी? डीप सर्कमफ्लेक्स इलीक आर्टरी. अब रह गए दरमियान वाले दो रीजन्स. कौन कौन से? ये वाले अम्बिलिकल रीजन का इन्फीरियर पोर्शन
और प्यूबिक रीजन, इनको सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होगी? एक आर्टरी रह गई वो है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये इन रीजन के लिए स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल इन्फीरियर, अगर मैं इसके डीप पोर्शन की बात करूँ, उसके डीप पोर्शन की, तो जो इन्फीरियर पोर्शन ब्लैकर रीजन का वो जो इसका प्यूबिक, इनके जो डीप पोर्शन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उस आर्टरी को बोलते हैं हम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? ये भी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच होती है, यानी ये दो ब्रांच होगी एक्सटर्नल आइलिक की, एक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और दूसरा डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी। अब यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया सुपरफिशियल टिश्यू, रह गया सुपरफिशियल टिश्यू किसका? प्यूबिक रीजन का। उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होगी? ये होगी, ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। के सुपीरियर मोस्ट पोर्शन है वहाँ पे सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और जो इसके मिडिल वाला पोर्शन है हम ग्रोसली कह सकते हैं कि यहाँ पर अयोटा से ब्रांचेज आ रही हैं, जबकि ये जो इसका इन्फीरियर मोस्ट पोर्शन है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, क्योंकि जो फीमोरल आर्टरी है वो भी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। तो इन्फीरियर पोर्शन को एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, मिडिल वाला पोर्शन अयोटा, जो इसका सुपीरियर पोर्शन है वहाँ पर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी।